फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर की पांच ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जो अभी तक में ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, और आने वाले 5 साल यदि आप इस कंपनी को होल्ड करते हो तो आपको कम से कम 5x का रिटर्न मिलेगा। और ये मैं इस बेसिस पे कह सकता हूँ कि आप जब इसका रिजल्ट देखोगे, अभी इसके वर्क इन प्रोग्रेस देखोगे, और इसका सेक्टर तो इंफ्रा है ही, और अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कितनी ज़रूरत है और कितने तेज़ी से हो रहे हैं इसका आपको पता ही होगा। जिसमें हमारी पहली कंपनी है वेनस पाइप एंड ट्यूब। वेनस पाइप एंड ट्यूब का मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो 350% है, और कंपनी कब आई है? 2022 में, पिछले साल मई में आई है, और अभी अगस्त सितंबर स्टार्ट हुआ है, अगस्त लास्ट हुआ, मतलब 15-16 महीने में सिर्फ 350% का रिटर्न। और देख सकते हो कभी कंपनी ये नीचे गिरी नहीं गिरी नहीं गिरी इसका लगातार धीरे 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 आगे बढ़ते जा रही है और ज़बरदस्त रिटर्न दी है। अब इसके प्रोडक्ट देखोगे और इसका एक्सपोर्ट देखोगे तो ये पाइप बनाती है, और जब आप इसके क्लाइंट देख सकते हो, इसके 70 फॉर्चून 500 इंडिया लिस्ट, 500 के जो इंडिया में जो 500 कंपनी है टॉप, उसमें से 70 कंपनी इसके साथ काम करती है। और इसका CAGR 61%, और एक्सपोर्ट जो करती है ये 25 कंट्री को एक्सपोर्ट करती है। इससे आपको पता लग अनुमान लग सकता है कि इसके प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं। और 9 डाइवर्सिफाइड सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर के लिए वर्क करती है, प्रोडक्ट बनाती है। और इसके प्रोडक्ट देखोगे तो रिफाइनरीज के लिए, हीट एक्सचेंज के लिए, और भी इसके हैं, और फर्टिलाइजर्स के लिए, टर्बो डसोल्फोर्ट के लिए, क्या केमटेक के लिए। और इसके जब आप क्लाइंट देखोगे तो GSEL, हिकल, इसरो, GSW, ONGC, ITC, जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, एशियन पेंट, डालमिया शुगर, अडानी, अडानी ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनी, वोल्टास, थर्मोक्स, तोशिबा, कंपनी की कमी नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है तो इसको प्रोजेक्ट की कमी नहीं होगी। आप इसको रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप इसका रिजल्ट जाकर देख सकते हो, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं लगा सकता। दूसरी जो हमारी है एडवेट इंफ्रा लिमिटेड। एडवेट इंफ्रा लिमिटेड का आप देखोगे मैक्सिमम रिटर्न 1500, 1550% और 2020 में आई है। कंपनी को 3 साल हुए हैं लगभग, और 3 साल में 1500, 1550% का रिटर्न बना दिया है। मतलब यदि आपने सिर्फ 10,000 लगाया होता तो ये आपके पैसे को अभी तक में 1,50,000 रुपया कर दिया होता, इतनी ज़बरदस्त कंपनी। और अभी इसमें रैली आने को है, अभी देखो इस मार्केट कैप 450 करोड़ की, अब रैली इसमें स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जिस वर्क के लिए काम करती है, फील्ड के लिए काम करती है, इसका आप देखोगे ऑप्टिकल फाइबर भी है, ये तो एल्युमिनियम केबल वायर बनाती है, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम, स्टेडिंग टूल बनाती है, लाइव प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट, टर्न कीज प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। लेकिन ये जो इसका और एक और मेन प्रोडक्ट है वो है टेली कम्युनिकेशन के ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर के लिए काम करती है। और ऑप्टिकल फाइबर इंडिया में अब इसको गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए ये फोर्स कर दी गवर्नमेंट, और जिसमें से ये कंपनी लीडिंग बन के निकलेगी। और इसका सेक्टर देखो पावर, ट्रांसमिशन, टेली कम्युनिकेशन, ग्रीन एनर्जी में भी काम करती है, और ये अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, हर साल दर साल इसके प्रॉफिट बढ़ा है। आप इसके रिजल्ट जाकर देखोगे तो। दूसरी हमारी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन की मेन काम है उसमें ये इन्वॉल्व है, और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखोगे 3.5%, 350% और 2020 में भी यही ये कंपनी भी 2020 में आई है, मात्र 1100 करोड़ की कंपनी है, वैल्यूएशन 19 PE है तो सस्ता ही है, और आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसके आप प्रोजेक्ट देखोगे तो ये प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करती है, जैसे टर्मिनल बनाती है, पाइपलाइन कंट्री के अंदर जो
क्रॉस कंट्री में पाइपलाइन लगता है उसमें काम करती है, सीएनजी स्टेशन के लिए काम करती है, टर्मिनल बनाती है, पाइपलाइन, तो इसके काम भी अच्छे हैं। और इसके क्लाइंट देखो, ONGC, गेल, इंडियन ऑयल, जितनी गवर्नमेंट कंपनी सब बड़ी बड़ी कंपनी के लिए काम करती है। इसलिए मैं जो इस स्टॉक लाया हूँ वो बहुत रिसर्च और इस पे कम बहुत ही ढूंढ के लाया हूँ कि जो कंपनी आगे भविष्य में रिटर्न दे सकती वही है। आप इस पांच कंपनी को स्टडी करें, और या स्टडी नहीं भी कर स्टडी करें और अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप वेट कर लो, 6 महीने देखो, साल भर देख लो, 1 साल देखने के बाद आप इन्वेस्ट करना, पैसे लगाना, धीरे धीरे पैसे लगाना, देखना आप रिटर्न किस तरीके से मिल रहे। उसके बाद दूसरी हमारी कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी जो रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए काम करती है और भी कई सेक्टर के लिए काम करती है, जबरदस्त रिटर्न देने वाली है, 2018 से अभी आई है, लेकिन अब जो है इसमें रैली देखने को मिला, देखो 6 महीने में आप सिर्फ 100%, तो रैली अब देखने को मिल रहा, पहले कंपनी आई है 2018 में लेकिन रैली अब, क्योंकि अब जो है रेलवे सेक्टर भागेगी और रेलवे सेक्टर की जो ये कंपनी प्रोजेक्ट काम करती है, देखो किसके किसके लिए काम करती है, इंडियन रेलवे के लिए काम करती है, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे जितनी भी है, नेशनल हाईवे के लिए, पावर ग्रिड के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, BHEL के लिए, इंडियन ऑयल के लिए, गेल के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है लगभग सबके लिए काम करती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा रही है। दूसरी हमारी कंपनी है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये भी 2019 में आई है, 500-600% का रिटर्न दिया, लेकिन 6 महीने का इसका रिटर्न देखो 130% का जबरदस्त रिटर्न, और ये मई में ही आया था और मई के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में है, अब फिर भागेगी तो ये 200 पे जाकर रुकेगी। ऐसी कंपनी मात्र 27,000 करोड़ की कंपनी है, इसके पास मुझे लगता 50,000 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट नहीं होगा इतनी कंपनी। और इसके प्रोजेक्ट देखोगे तो किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, ये तिलकगढ़ रायपुर ब्रिज बनाती है, टनल बनाती है, और ये सब काम 1-2 करोड़ की नहीं होती है, 100-200 करोड़ की नहीं, 1,000 करोड़, 500,000 ऐसे करोड़ की कंपनी होती है, ये इस तरीके का काम करती है। तो ये आज हमारे आज के लिए ये हमारा पांच इंफ्रा के स्टॉक थे। यदि आपको अच्छा लगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और यदि आप मेरे से कुछ मदद चाहते हो तो आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो learneasy.help@gmail.com पे, और यदि आप हमारे वेबसाइट पे से देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्चून इन्वेस्टमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको बहुत से हमारे लेक्चर फ्री में मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज मिले, आपको वेल्थ क्रिएट करें नॉलेज से और आगे बढ़े। जय हिंद।